हम लोग इस वक्त कनाडा के शहर लंदन ओंटारियो में बैठे हुए हैं और हमारे माशाल्लाह बड़े प्यारे दोस्त हैं मिर्जा महमूद बेग साहब, ये भी तशरीफ लाए हैं और अभी हम लोग वीडियो देख रहे थे। जरा बेटा चलाओ इस वीडियो को। ये वेलफेयर प्रोग्राम है बिन फैफ कंस्ट्रक्शन एंड वेलफेयर की तरफ से, जिसमें आम आदमी को जो कि कोरोना से इफेक्ट हुआ है फैमिलीज वगैरह, उनको 5 रूपये में हम लोग 2 रोटियां वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि किसी का कोई इस तरह उनका एक भरम रहे और एक किसी को फील ना हो। तो हमारे बेग साहब हैं, तो इन्होंने माशाल्लाह अभी हमें कहा कि वहां पे 10 कट्टू जो है आप वहां पे आटे के प्रोवाइड करें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके तरफ से जो ये नजराना पेश किया गया है, अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत पैदा फरमाए और बच्चों की खुशियां नसीब फरमाए और हर किस्म की तकलीफ और परेशानी से इनको महफूज रखे। अल्लाह ताला जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, एक साथ थैंक यू वेरी मच। सैफ साहब ये काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इट्स सो ग्रेट पीस ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड इन पाकिस्तान, जहाँ इतने नादार गरीब और मस्कून लोग हैं और वहाँ इस तरह के तो कई काम से लोग, इस तरह के तो एक से ज्यादा जितने हो जाए उतने ही कम है। और ये वेलफेयर के काम होने से हमें तो ये खुशी है कि हमारे दोस्त हमारे भाई ये काम उतर कर रहे हैं। एक तरह से हमें 100% श्योरिटी है कि जिस नियत से हम पैसे दे रहे हैं और देंगे इंशाल्लाह वो अच्छे काज के लिए इस्तेमाल होंगे। तो मेरी तो ख्वाहिश है और आई लुक फॉरवर्ड कि ये जो ठीक है ये स्टार्ट है और अच्छा स्टार्ट लिया, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले, लेकिन इसका साइज और इसका जो कैपेसिटी है उसको आप बिल्ड करें और इंक्रीज करें और लोकेशंस को भी इंक्रीज करें। तो इंशाल्लाह वी विल पुट अप आवर एफर्ट कि जहां हम और भी ज्यादा जो है वो फंड रेजिंग करें और अपने मुल्क के जो गरीब मस्कीन लोग हैं सफेद पोश हैं उनको किसी न किसी तरीके से असिस्ट करें। इस्लाम में तो वैसे ही बड़ा दर्जा है, आप मसाकीन को खाना खिलाएं, भूखों को खाना खिलाएं, ये तो इस तरह का बिजनेस है अल्लाह से करने वाला कि जितना करेंगे अल्लाह पाक आपको उतना ही ज्यादा नवाजेंगे, बेपनाह नवाजेंगे। और हमने सारा ये जो करना है इसलिए करना है कि हमने आगे जाना है, इधर नहीं बैठे जाना। जो भी कोई इसके लिए कंट्रीब्यूट करता है अल्लाह पाक उसे आला अजर दे, आमीन, उसके लिए आसानियां हो और वहां जो लोग हैं उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको उनके पांव पे खड़ा करे, सेल्फ सफिशिएंट करे, मुल्क को महफूज करे, पूरी दुनिया को इस कोरोना वायरस से महफूज करे। आमीन। अल्फातिहा। बहुत बहुत शुक्रिया। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا إله العالمين اس کام کو جو شروع کیا اس میں برکت ڈالنا اور اس میں استقامت نصیب فرما تاکہ اس چیز کو ہم لوگ کنٹینیو رکھ سکیں۔ السلام علیکم۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मगफरत को वाजिब करने वाले अमाल में से एक है। एक और हदीस मुबारक है कि तुम में से बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरों को खाना खिलाता है। और इस वक्त कोरोना की वजह से बहुत सारे कारोबार बंद हो के रह गए हैं। हालात में मज़दूर तबका और मिडिल क्लास तबका सफ़ेद पोश लोग काफ़ी मुतासर हुए हैं। कनाडा में बसने वाले एक भाई साहब ने सस्ती रोटी का एक सिलसिला शुरू किया है। इनकी हदायत के मुताबिक 5 रुपये में 2 रोटियां मिल रही हैं और 5 रुपये में प्लेट सालन की मिल रही है। इस तरह एक आदमी 10 रुपये में पेट भर के खाना खा रहा है। अगर हर साहिब हसीयत आदमी इस अंदाज में सोचना शुरू करते कि अगर उसकी वजह से किसी आसानी मिल जाए कितने अजर की बात है। लंदन ओंटारियो कनाडा से मोहतरम जनाब मिर्ज़ा महमूद बेग साहब ने आइंदा 5 दिनों के खाने के लिए खर्चा रवाना किया है। मिर्ज़ा महमूद साहब
हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह पाक आपको आपकी फैमिली को हर मुसीबत से दूर रखे, महफूज फरमाए, आमीन। और हमारी आप सब लोगों से गुजारिश है कि नेकी के इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें ताकि जो सिलसिला शुरू किया गया है इसी तरीके से चलता रहे और गरीब लोगों को बाइज़्ज़त तरीके से खाना मिलता रहे। और अल्लाह पाक बिन सैफ कंस्ट्रक्शन एंड वेलफेयर वालों को भी अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और इन्हें हर तरह की मुसीबत से महफूज रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन।